ओके तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों के साथ एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। और इस कोर्स में हम आपके साथ पूरी एक्सेल की फीचर्स को कवर करेंगे। संजय कुलकर्णी जी, आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर ले, अल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज थोड़ी सी थ्योरी के बारे में, एक्सेल के फंडामेंटल के बारे में। एकदम बेसिक नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ऑफिस 365 है, मतलब एक्सेल 365। इसको आप 2019 भी कह सकते हैं, एक्सेल 2019 भी कह सकते हैं, लेटेस्ट है। अब लेटेस्ट सीखना बेनिफिट ये रहेगा क्योंकि लेटेस्ट जो एक्सेल है उसमें आपके ओल्डर वर्जन है उसके सारे फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन नए फीचर्स भी रहेंगे, वो अपडेट रहेंगे। जब आपके यहाँ चेंज होगा तो आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सेल 2019 या ऑफिस 365 आपको सिखाएंगे। उससे पहले हम इस चीज को जानते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सेल के बारे में जानते हैं हम, कि एक्सेल का बेसिकली हम यूज क्या करेंगे। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज एक्सेल, तो एक सटीक आंसर आपके पास होना चाहिए, एक सटीक आंसर कि हाँ, जिसको करने के बाद सामने वाला पर्सन आगे कुछ और कमेंट ना कर सके। तो मेरे एक बताने जा रहा हूँ, मेरी एनालिसिस है कि एक्सेल का यूज क्या होता है। सबसे पहला एक्सेल का यूज होता है डेटा स्टोरेज। आपको कोई डेटा स्टोर करना है, टाइप करना है, या कोई डेटा आपके हार्ड कॉपी उसको सॉफ्ट कॉपी बना के रखना है, तो उसके लिए एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। लेकिन इसको हम डेटाबेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियमों पे खड़ा नहीं उतरता है। सर क्या बोल रहे हैं? हेलो संजय जी, कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या? हेलो, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है ना? सवाल चलिए। तो सबसे पहला हमारा है डेटा स्टोरेज, बट हमारा एक्सेल जो है नॉट ए डेटाबेस। ये डेटाबेस नहीं है, लेकिन डेटा स्टोर की जा सकती है। डेटाबेस क्यों नहीं है? क्योंकि डेटाबेस की काफी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। जैसे कि हम बात कर लें साइज, इसमें 10 लाख तक का साइज दिया गया है, 10 लाख रो ऑफ द डेटा डाल सकते हैं, लेकिन लाख एक डेढ़ दो लाख के बाद काफी स्लो परफॉर्म करने लगता है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा सिक्योरिटी, इसमें डेटा को डिलीट किया जा सकता है, पूरी फाइल को डिलीट की जा सकती है, उसके बाद इसके पासवर्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है, पासवर्ड रिकवर नहीं की जा सकती है, और उसके बाद इसके फाइल करप्ट जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डेटाबेस नहीं कहेंगे। तो अगर डेटाबेस नहीं कहेंगे तो किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? इसमें जो डेटा स्टोर होता है मिसलेनियस डेटा, एसएमई डेटा, एनालिसिस डेटा। मिसलेनियस डेटा जैसे मान लीजिए आप अकाउंट टीम में है और अकाउंटिंग के लिए टैली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सेल पे अपना डेटा रखते हैं, जैसे कि पेटी कैश की। अब 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, इसका लेजर टैली में क्रिएट थोड़ी होगा, टैली बीजी और फीको में क्रिएट थोड़ी की जाएगी। 2 रुपए की फोटो स्टेट, 3 रुपए की चाय, 5 रुपए की स्टेपलर, ये तो नहीं की जा सकती है। तो कंपनीज में एक पेटी कैश होता है, तो पेटी कैश अकाउंट क्रिएट होती है और पेटी कैश में पैसे के इन आउट होता है, लेकिन कितना खर्चा हुआ है उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 100-200 की बात तो नहीं है। पेटी कैश महीने का खर्चा छोटी छोटी कंपनी में 5 से 10 हजार होती है, तो इसका हिसाब तो कहीं रखना पड़ेगा सर। यस सर,
तो इसके लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो छोटे उद्यमी हैं, हम जैसे जो छोटे उद्यमी जिनके पास डेटा का डेटा की कैपेसिटी कम है, मैं डेटा कंज्यूम कम होता है, मतलब कि 10-15-10-20 हज़ार का डेटा है महीने या साल में क्रिएट होता है, तो ऐसे लोग एसक्यूएल ओरेकल और जो बड़े बड़े डेटाबेस को अफोर्ड ना यूज है उनका ना वो अफोर्ड कर सकते। तो ऐसे कंपनीज अपनी पूरी की पूरी डेटा बेस सब चीज जो है एक्सेल में रखती है। तीसरा होता है एनालिसिस डेटा। जैसे मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है, एक डैशबोर्ड बनानी, आप सिस्टम से डेटा डाल, आपका जो सैप है या फिर आइलोन है, सारे सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है, एसक्यूएल है, तो वहां से डेटा इम्पोर्ट करके आखिर रखेंगे एक्सेल पे ही ना, तभी तो आप उसकी एनालिसिस को, उसकी एनालिसिस और बाकी चीजें तैयार कर पाएंगे। जो रिपोर्ट बड़े बड़े डैशबोर्ड होते हैं और खूबसूरत सा चार्ट वगैरह होता है, वो पीछे पीछे किसी न किसी डेटा से तो बनता है, उस डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोरेज हम एक्सेल में किस तरह का डेटा स्टोरेज करते हैं? मिसलेनियस, एसएमई और एनालिटिक्स डेटा। संजय जी समझ में आया आपको? हेलो जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। राम जी आपको समझ में आया? यस सर यस सर। तो एक्सेल डेटाबेस नहीं है बट डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप चले जाइए एक्सेस में, ओरेकल में, एसक्यूएल में और भी बहुत सारे डेटाबेसेस में, तो वहां क्या होता है, फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है, मतलब पूरी कॉलम दूसरे कॉलम से कैलकुलेट करेगा। बट एक्सेल में हम एक सिंगल सेल से सिंगल सेल को कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसमें कुछ करना हो इस तरह से, क्योंकि यहां पर हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, इसलिए। तो जैसे कि इसमें ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे फंक्शंस फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जिसके लिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कुछ ऐसा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वार्टर वन की सेल है, क्वार्टर टू की सेल, क्वार्टर वन में मान लीजिए 50, क्वार्टर टू में 56 हुआ है, मुझे ग्रोथ निकालना। अब ग्रोथ के लिए फॉर्मूला हो सकता है, ग्रोथ के लिए फॉर्मूला हो सकता है, बट मेरी अपनी अलग कैलकुलेशन। तो क्या कैलकुलेशन है? तो कैलकुलेशन में मैथमेटिक जो है नोटपैड पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लेटेस्ट माइनस, मतलब कि क्वार्टर माइनस क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को इजीली हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर मारते मुझे अपना परसेंटेज मिल जाएगा कि 12% सेल हुआ, ग्रोथ हुआ। एक मिनट पूछूं आपसे कुछ अभी। तो कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट है, आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट है। हेलो बोलिए सर। हेलो नहीं, मैं कह रहा था अभी आपने जो किया है ना Q1 Q2 में जो आपने सिलेक्ट करके किया था ना, जो फॉर्मूला लगाया था उसके अंदर आपने शॉर्टकट क्या यूज किया था? शॉर्टकट को डायरेक्टली वहां पे नहीं, शॉर्टकट तो यूज नहीं किया आपको, शॉर्टकट नहीं, नहीं आपने जैसे आपने सिलेक्ट किया था ना बेसिकली एच को सिलेक्ट हाँ, किया जैसे यहाँ पे गए और वहाँ यहाँ पे गए ब्राइट ओपन किया और एरो की जॉयस्टिक लेफ्ट राइट और स्पॉन से सिलेक्ट हो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अच्छा सिर्फ मतलब आपने एरो की यूज करिए Q1 Q2 के लिए? हां एरो की से चलता है, एरो की यूज करके, एरो की यूज करके एंटर किया उसके ऊपर और नहीं एरो की जगह सेलेक्ट कर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, मैं ये सब समझाऊंगा। चलिए ठीक है, आगे क्लासेस में सब समझाऊंगा। ठीक है आगे बढ़े।
मैं अभी जस्ट फिलहाल समझा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल में, कैसे करना है, ये हम कल की क्लास से शुरू करेंगे ना। फिलहाल हम ये तो देख लें कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बुक में पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, लाइक दैट। कैलकुलेशन के बाद जो तीसरा आता है एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई डेटा मिला हुआ है, उस डेटा पे कोई एक क्विक इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो आप उसको एक्सेल में तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे रिपोर्ट वगैरह बनाना, डैशबोर्ड बनाना, ये चीजें एक्सेल में अपने हिसाब से की जा सकती है। जैसे आपके सामने मेरा एक डैशबोर्ड दिख रहा है ना सर, ये हमारा डेटा है, इस डेटा के ऊपर इस तरह की एक कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन यहाँ पर समराइज होके यहाँ पे आ रहा है, एक समा एक एक फॉर्मेटेड एंड एक अट्रैक्टिव तरह जहाँ पे हम समझ सकें, ठीक है। तीस तरह के चीजें एक्सेल पे बना सकते हैं आप और अपने हिसाब से बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए पावर बीआई बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, पर पावर बीआई को मॉडिफाई और कस्टमाइज नहीं की जा सकती, तो आप एक्सेल भी यूज की जाते हैं। पावर बीआई की भी कुछ माइनस पॉइंट है और एक्सेल की कोई माइनस पॉइंट भी वहाँ पर नहीं है। बस यही है कि थोड़ा सा इसके लिए नॉलेज टाइम की जरूरत पड़ती है। पावर बीआई में आपको थोड़ा बहुत भी और कम टाइम में इससे बेटर डैशबोर्ड बना सकते हैं। पावर बी आई अलग से सॉफ्टवेयर होता है क्या एक्सेल के अलावा? दूसरा होता है क्या? मतलब मुझे पता है पावर बी आई, बट वो अलग से होता है क्या एक्सेल की तरह होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई जस्ट लाइक पिवट टेबल होता है। पिवट टेबल को एडवांस कर सकते हैं। अच्छा हां, अब बात उसमें फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो कुछ बच्चे सवाल पूछ देते हैं, आपने नहीं पूछा, बस कुछ स्टूडेंट सवाल पूछ देते हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन तो जो होता है वो तो पावर पॉइंट में होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक प्रेजेंटेशन की। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए कि ये पूरा रिपोर्ट जो है जून महीने का है, जून 2012 का है ना सर। अब आपने पावर पॉइंट में बनाया तो एक पूरा स्लाइड, पूरा एक ये बनाओगे, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट बनाओगे जून 2012 के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए जुलाई का रिपोर्ट देखना हो तो आपको एक अलग पीपीटी बनानी पड़ेगी जुलाई की रिपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं जुलाई सेलेक्ट करूंगा, मेरा फॉर्मूला जुलाई के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देगा, समझे? यहाँ मुझे समझ गया, तो ये बेसिकली आपने पावर बीआई का चार्ट, मैं प्रोडक्ट वन सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट वन के पर्टिकुलर सेक्शन जो है चेंज हो गया। ये कैसे हुआ मैं आगे समझाऊंगा। मैं सर मैं बस बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन मतलब आप कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो पीपीटी की जगह पे डायनेमिक अगर आपका है तो एक्सेल का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये सब रिपोर्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है, सब सिखाऊंगा मैं। ओके, और इसका तीसरा जो आता है जो कि काफी ज्यादा तीसरा जो है यहाँ पे चौथा जो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पावर बीआई नहीं कर पा रहा है, शेयरिंग। मैंने अपनी रिपोर्ट को मान लीजिए बहुत ही अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाया, पावरफुल डैशबोर्ड बनाया पावर बीआई, और आपको मैं भेजू क्या भेज दिया, बट आप रिपोर्ट को नहीं देख पाए क्योंकि आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होगा तभी देखेंगे क्या, पावर बीआई प्लेटफॉर्म होगा तभी तो इस रिपोर्ट को देख पाएंगे आप। उसी तरह से अगर कोई आप भी किसी को कुछ डेटा या रिपोर्ट भेज रहे हो तो हम लोग प्रेफर करते हैं एक्सेल, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके पास एक्सेल एमएस ऑफिस तो होगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज के कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी में एमएस ऑफिस ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपनआरजी, सिम्फनी या एक्सेल व्यूअर तो होगा ही होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ उसके सिस्टम में तो वो डायरेक्ट गूगल पे जिस पे जीमेल पे देख सकता है, गूगल सीट पे देख सकता है,
ठीक है, रिपोर्ट किसी से मुझे किसी ने भेजा तो मैं इस पर क्लिक करके बिना किसी एप्लीकेशन डाउन फाइल डाउनलोड भी नहीं करूंगा मैं, और यहाँ पे देख लेंगे तो ए जो है हमारा, हम बोल सकते हैं कि वी यूज द एक्सेल फॉर डेटा स्टोरेज कैलकुलेशन एनालिसिस रिप्रेजेंटेशंस एंड सेटिंग ऑफ द डेटा डेटा एंड रिपोर्ट्स, क्या सिंपली बोल सकते हैं? तो आगे जो आप एक्सेल सीखेंगे और सीखने के बाद जब ऑफिस जाएंगे तो इन चारों चीजों का यूज फंडामेंटली इन चारों को यूज करेंगे, डेटा स्टोरेज कैलकुलेशन एनालिसिस रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशंस एंड सेटिंग द डेटा फाइल जो भी। अब ये जो जानकारी दे रहा हूँ मैं, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, ऐसा कोई प्रूफ रीड नहीं है सर, हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन भी हो, आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो संजय जी और राम जी, आपको पता चल गया कि एक्सेल का क्या यूज करेंगे? यस सर। आप यूज करते भी हैं लेकिन इस तरह के भी यूज की जा सकती है, तो उसको डिफाइन करना उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके अब चलिए हम बात करते हैं एक्सेल आके फाइल के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए एक पर्टिकुलर फाइल होता है हमारा, अब फाइल के अंदर शीट्स होते हैं, जैसे शीट वन दिख रहा है, शीट्स है, माने इस फाइल को वर्कबुक और इस शीट्स को वर्कशीट कहा जाता है, और उसके अंदर जो है कॉलन होते हैं, रो होते हैं, जहां रो एंड कॉलन इंटरसेक्ट करते हैं वो सेल होता है, और हमारा किसी भी तरह का डेटा के अंदर होता है सिवाय पिक्चर को छोड़ के, अगर कोई ग्राफिक्स ऐड करते हो वो किसी सेल का पार्ट नहीं होता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि ये ले लिया, तो ये किसी सेल का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम इसके इसको कॉल नहीं कर सकते, लुकअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी का कोई एड्रेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर कुछ कैलकुलेट करना है 41 को, तो B8, तो मैं यहाँ पे B8 लिखूंगा तो B8 का एड्रेस फाइन हो गया, बट SAP के लिए क्या लिखूं, क्योंकि SAP का कोई एड्रेस होता नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं मेरे पिक्चर्स को लुकअप, लेकिन मेरा जो ट्रायंगल है रेक्टेंगल है उसको लुकअप कर सकता हूं, तो मैं बोलता हूं नहीं, क्योंकि इनका कोई अपना एड्रेस नहीं होता। कुछ बोल रहे थे सर आप? सर लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप इस पे रेक्टेंगल पे आप क्लिक एक बार कीजिए तो यहाँ पे एड्रेस में तो दिखा रहा है रेक्टेंगल वन करके, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल वन दिखा रहा है। तो ऑब्जेक्ट नेम नो सर, ये एड्रेस थोड़ी, दिस इज द नेम नॉट एड्रेस। जैसे सेल का नेम वहाँ पे दिखाता है ना, C12 D12 जो भी रहता है, C12 मतलब हुआ सी कॉलन एंड 12 नंबर रो, यहाँ पहुंचेगा। रेक्टेंगल वन कहाँ है, यहाँ रखा हुआ, कैसे पता चलेगा सिस्टम को रेक्टेंगल वन कहाँ पर है? ओके सर, समझे ना। हम्म, जब भी कोई फॉर्मूला लगता है उसे सेल एड्रेस चाहिए, ऑब्जेक्ट एड्रेस, मान लीजिए आपके कहने के हिसाब से वो एड्रेस है, तो कोई भी फॉर्मूला ऑब्जेक्ट एड्रेस को कंसिडर नहीं करता है। ठीक, ठीक है सर। तो आपका ये होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया B8, तो क्या हुआ, जो एक्टिव सीट है, जो करेंट सीट है, उसका B8 होगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कोई और सीट है, मुझे सीट वन का B8 चाहिए, तो इक्वल प्रेस करके मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सीट वन और B8, सीट्स नेम और कॉलन कॉलन एड्रेस के बीच में एक्सप्रेशन मार्क का सेपरेटर है। यस सर। ठीक है, लेकिन इसमें फाइल नेम नहीं है क्योंकि एक्टिव फाइल पे है। लेकिन अगर आप किसी अनदर फाइल के साथ लिंक करते हैं तो उसका एड्रेस उसके हिसाब से बनता है, जैसे कि मैंने ए ले लिया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है एक्सेल टेस्ट कंटेन कोऑर्डिनेटर पूरा पास है, ये आया हुआ नाम, देखिए पूरा नाम आया है फाइल का, नाम बड़ा नाम आया है, इसका पास नहीं आया। पाथ कब आएगा,
जब आप इस फाइल को क्लोज करेंगे, मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया सेव करके, अब जो एड्रेस आपने क्रिएट किया है वहां पे देखोगे कि पूरी की पूरी फाइल का पाथ आएगा, सी ड्राइव डी ड्राइव वगैरह। एक मिनट बंद होने दीजिए। हैंग हो गया। पूरा पाथ आ गया। आ गया पूरा पाथ? यस सर। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर मेरे में तो अब में तो पाथ आया, मेरे में पाथ नहीं आ रहा है। तो पाथ नहीं आएगा जब फाइल ओपन होगी, तो पाथ नहीं आएगा। तो ये एड्रेसिंग सिस्टम है। अब एड्रेसिंग सिस्टम में फॉर्मूला अप्लाई करना मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वगैरह डाला हुआ है। मुझे सारे नंबर में 20 ऐड करना है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए, कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल करते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला टाइप कीजिए, नहीं डायरेक्ट रेफरेंस लेना है A2, तो मैं A2 के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर yes, आप एरो की लेके जाइए, एंटर मारने की जरूरत नहीं है, एरो की, एंटर से फिर फॉर्मूला बाहर आ जाएगा। तो इसे ऊपर नीचे आगे इस रेफरेंस को लेके जा सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, एरो की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट डाउन अप मूव हो रहा है, और जहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ वहाँ पे उसी का एड्रेस ऊपर पिक हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे A1 पे रखा, A1 का एड्रेस पिक कर लिया, प्लस 20। हमने एंटर प्रेस कर दी है, यहाँ पे कैलकुलेट होके रिजल्ट शो हो रहा है। देखिए मुझे बाकी सब में करना है, तो क्या सब में करना, वन बाई वन करना होगा? जी नहीं, एक नहीं सर। है कि आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके बाद कॉपी पेस्ट कीजिए या ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने से क्या होगा कि जो एड्रेस है A1 है वो नीचे A2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक सेल नीचे आया, एक रो नीचे, यस सर, ऑटोमेटिक सेल चेंज हो जाएगा। हां A3 हो गया, A4 हो गया, 5 6 इधर गया, इंक्रीज होते रहा। तो एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट। यस सर। ऐसे 10 लाख डेटा होता और इंडिविजुअल लगाना होता तो काफी टाइम लगता। यस सर। तो ये बेनिफिट है, लेकिन जहां बेनिफिट होता है वहां नुकसान भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे जो है A1 + 20 नहीं करना है, मुझे D1 को लेना, ताकि मैं D1 पे चेंज करूँ तो बाकी सब चेंज हो जाए। तो मैंने D1 पे क्लिक कर लिया, या माउस से क्लिक कर लिया, या कीबोर्ड के एरो की से सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो अब यहाँ पे A1 A2 हुआ, तो D1 पे तो D2 होगा क्या? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। नहीं सर, D1 को कांस्टेंट करना पड़ेगा वहां पे ऊपर वाले में। कांस्टेंट नहीं, उसको एब्सोल्यूट करते हैं। तो एब्सोल्यूट करने के लिए या फ्रीज करने के लिए हमें डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हर एड्रेस में दो पार्ट होता है, जो करैक्टर होता है वो yes, sir. कॉलम होते हैं, और जो नंबर होता है वो आपका रो होता है। रो रो को फ्रीज करना है या कांस्टेंट करना है, एब्सोल्यूट करना है, तो हम डॉलर साइन उसके आगे लगा देंगे। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा या कॉपी पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि D1, D2, D3, D4 आ रहा है। आ रहा है सर? सॉरी, D1 ही फिक्स है, D1, D2 नहीं है। यस। बट A1, A2, B2 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, हमने सिर्फ रो को फ्रीज किया है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम कुछ भी करते हैं तो फ्रीज रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये आपका चेंज होगा, DE बन गया, क्योंकि हमने D के आगे डॉलर नहीं लगाया। अगर आपको लगता है कि D को भी फ्रीज करना है तो उसके आगे डॉलर लगा दीजिए। ये आपके रिक्वायरमेंट पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि रो और कॉलम में से किसी एक को या दोनों को फ्रीज करना है, एब्सोल्यूट करना है, कॉन्स्टेंट करना है। ठीक है संजय जी? संजय जी समझ में आया आपको? जी हाँ जी, बिल्कुल 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 लागू। तो डॉलर साइन इसी हिसाब से लगाएंगे। तो एड्रेसिंग सिस्टम समझ गया कि एड्रेस कैसे यूज होता है,
ठीक है सर। तो आज जो हम यही पढ़ने देते हैं, फिलहाल आप एक्सेल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर क्या करना है, आपको देखना है टेम्पलेट। हर फाइल के जब न्यू पे करते हैं ना, जब भी न्यू करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, तो आपको आज इसको एक्सप्लोर करना। ओके। अब क्यों करना है, क्योंकि टेम्पलेट्स आपको पता चलेगा किस तरह की डिजाइन तैयार की जा सकती है। जैसे आप माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, उसके साथ एक बुक आता है, और बुक में यूजर मैनुअल के साथ साथ क्या होता है, उसमें बहुत सारे डिशेस की रेसिपी होती है। उससे पता चलता है खरीदने वाले को कि इससे, इस ओवन से इस सारी चीज बना सकते हैं, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। उसी तरीके से जब टेम्पलेट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग बिजनेस का है, पर्सनल का है, तो इससे पता चलता है कि आप जो है इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपको उसको बनाना नहीं है, इसमें से कम 20 को डाउनलोड करना है और उसको एक्सप्लोर करना है, देखना है, समझना है कि आखिर कैसे बना हुआ है, क्या क्या फीचर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है सर? ठीक है सर, इसको कीजिए। फिर कल हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन ये है कि हम कुछ भी करते हैं एक्सेल में, चाहे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, पिवट लगाना हो, फिल्टर लगाना हो, हमें डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। बट डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो, अनसिक्वेंस हो, लार्ज हो, तो सिलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कैसे, डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे इजिली, फास्ट और बिना किसी परेशानी के। अभी क्या है सर, शुरुआत है, तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा क्लास को स्लो लेके चल रहा हूँ। रीजन है, आप लोगों को लर्निंग का जो हैबिट है वो खत्म हो गया, कॉलेज छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है, तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए स्लोली थोड़ा सा चलेंगे कुछ क्लासेस, फिर हम फास्ट स्पीड को पकड़ेंगे। ठीक है सर, संजय जी ठीक है ना सर तरीका? ठीक है सर। संजय जी मैं आवाज आ रही है आपको? ठीक है, राम जी पांडे जी और संजय जी कल मिल, बिल्कुल बिल्कुल।